नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल फार्मर में। तो किसान भाई, जो आज का वीडियो है वो है न्यू हॉलैंड 3230। ये 42 HP ट्रैक्टर वाला है, जो कि NX मॉडल, पहले जो मॉडल आता था ना वही मॉडल है। अब इसमें एक और आने लग गया 45 HP, लेकिन ये पुराने वाले ही है। ये उससे आपको सस्ता पड़ेगा, और क्या क्या चेंजेस आपको, मेरे को लगता है कि आपको इसको क्यों खरीदना चाहिए, तो पूरा वीडियो देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले बात करना तो इसमें आपको बॉस्क का पंप देखने को मिलेगा 3 सिलेंडर का, और उसी के साथ में सामने के टायर इसके 6/50/16 और पीछे के टायर इसके अपने 13/6/28 के। उसके बाद किसान भाई, अपन लोग बात करें ट्रैक्टर के, तो इसमें आपको मिलता है सिम्पसन का इंजन। और किसान भाई, बाकी अगर मैं आपको बताऊं तो इसका जो फ्रंट एक्सल है अपना, वो एडजस्टेबल मिलता है, क्योंकि ये टॉप मॉडल है 32-32 42 HP में। इससे एक नीचे वाला जो मॉडल था उसमें आपको जो अपना फ्रंट एक्सल है वो एडजस्टेबल नहीं मिलेगा। अगर अपन डीजल टैंक की बात करें ना, तो इसमें आपको फाइबर वाला डीजल टैंक है अपना, और एक और नई बेजिंग के साथ ट्रैक्टर आता है जो कि HP हाइड्रोलिक। इसमें आपको क्या चेंजेस है, HP हाइड्रोलिक से आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि पहले जो लिफ्टिंग कैपेसिटी कम थी ना, अब उसे बढ़ा दी गई है। अब इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी कर दी लगभग 2000 kg की। पहले आती थी 1500 से 1800 kg के बीच, अब सीधे से 2000 kg आपको इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी देखने के लिए मिलेगी। पिछले एक्सल की बात करना तो इसमें आपको मिलता है हब रिडक्शन, जो कि न्यू हॉलैंड का जो सबसे सक्सेसफुल रिडक्शन है ना, वो हब रिडक्शन है। वही वाला रिडक्शन आपको इसमें भी देखने को मिलेगा, जो कि ट्रॉली वगैरह पे सबसे ज़्यादा काम देता है। उसके बाद अपन लोग बात करें ट्रैक्टर के प्लेटफॉर्म की, तो आप देख सकते हो भाई, वही पुराना वाला प्लेटफॉर्म है अपना, सेमी फ्लैट, या फिर जिसे बोलते हैं अपन नॉर्मल वाला प्लेटफॉर्म। नॉर्मल क्लच ब्रेक पेडल है, लेकिन ये स्मूथ है, कोई ज़्यादा आपको इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। साइड में एक्सीलेटर आपको देखने के लिए मिलेगा। और मडगार्ड की अगर लोग बात करें ना, तो ठीक ठाक मडगार्ड है, वो वाले नहीं मिलेंगे जिसमें आपको एक नीचे और पत्ती मिलेगी। नॉर्मल वाले मडगार्ड आपको इसमें देखने को मिलेंगे, और नॉर्मल वाली लाइट है, क्योंकि बहुत नॉर्मल ट्रैक्टर है ये। उसके बाद अपन लोग बात करें इसका बोनट ओपन में, आपको करके दिखा देता हूँ। तो इसमें साइड से ही अपना बोनट ओपन हो जाता है, यहाँ से इसको अपन साइड में करते हैं बोनट ओपन। तो भाई ये साइड से बोनट ओपन हो गया, ओल्ड स्कूल टाइप। यहाँ पर आपको पावर स्टेयरिंग का पंप का अपना रिजर्वर टैंक देखने को मिला, छोटा सा 3 सिलेंडर का इंजन मिलेगा आपको, भेजा सिम्पसन का इंजन है। यहाँ पर बेजिंग देख सकते हो, S325NHF2.1 इंजन का नंबर है, और आपको कुछ इस प्रकार से इनको बंद करना पड़ेगा। तो उसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये रहा अपना हाइड्रोलिक का पंप, और उसके पीछे हो गया अपना पावर स्टीयरिंग का पंप। नीचे आपको अपना मिलता है हाइड्रोलिक ऑयल फिल्टर, उसी के नीचे आपको छोटा सा एक अपना स्टार्टर मिलेगा इंजन का। बाकी किसान भाइयों, अब मैं आपको इसके स्पेसिफिकेशंस वगैरह बताऊं। पहले आपको दिखा दूं, सामने आपको वेट देखने के लिए मिलेगा कुछ इस प्रकार का, जिससे ट्रैक्टर फ्रेंडली ना करे, लेकिन हब रिडक्शन होने के कारण ट्रैक्टर वैसे भी कम फ्रेंडली लिफ्टिंग करेगा। ऑयल बार टाइप आपको एयर क्लीनर देखने के लिए मिलता है। तो अब मैं आपको इसके स्पेक्स बताऊँ, तो जो P2HP आपको देखने मिलेगी वो मिलेगी 39 की, ये 39 P2HP। उसके नीचे SFC की अगर इसकी बात करें ना, तो वो आपको मिलती है 191 की SFC इस ट्रैक्टर में आपको देखने के लिए मिलेगी। उसके बाद अपन लोग बात करते हो 42 HP का इंजन होने के बाद, आपको इसमें गियर बॉक्स की बात करते हो, इसमें आपको मिलता है 8+2 का ट्रांसमिशन। छोटी सी सीट है, दूसरे बड़े ट्रैक्टर से आओगे तो बहुत छोटी लगेगी, बहुत ट्रैक्टर छोटा लगेगा बड़े ट्रैक्टर से अगर आप इस पर आओगे। हाई लो हो गया अपना, इधर हो गया भाई 1, 2, 3, 4 और रिवर्स, 8+2 का ट्रांसमिशन हो गया अपना। उसके बाद अगर अपन लोग बात करें तो इसमें आपको ऑयल इमर्स मल्टी डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे, पूरे डिस्क वाले ब्रेक से आपको ऑयल वाले। उसके बाद किसान भाई, अगर बाकी में फीचर्स वगैरह आपको सामने से अगर दिखाऊं, तो आप देख सकते हो वही न्यू हॉलैंड का पुराना वाला आपको ओल्ड स्कूल टाइप आपको अपना सामने एयर क्लीनर अंदर ही साइलेंस देखने को मिलेगा मॉडल है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार का है पुराने वाला। अगर इसके इंजन के टॉर्क की बात करें, तो इसमें आपको मिलता है 166 Nm का टॉर्क, और उसी के बाद आपको मैंने ट्रांसमिशन बता दिया, इसमें आपको मिलता है कॉन्स्टेंट मैश अपना साइड शिफ्ट ट्रांसमिशन, इसमें आपको सिंक्रोमैश नहीं देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद किसान भाई, इसकी बैटरी की बात करें तो बैटरी का आपको प्लेसमेंट सामने देखने को मिलेगा भाई यहाँ पर, और इसमें आपको बैटरी मिलती है 78 AH की, मतलब 88 AH। उसके बाद आपको स्टेयरिंग की बात करें तो आपको सिंगल एक्टिंग और साथ में अपना एडजस्टेबल अपना फ्रंट एक्सल हो गया। डायमेंशन और वेट की लोग बात करें ना, और टोटल ट्रैक्टर का वेट है वो है 18 क्विंटल 15 किलो। व्हील बेस की बात करें तो 1930 mm का व्हील बेस देखने को मिलेगा, और ओवरऑल लेंथ ट्रैक्टर की है 3330 mm। उसके बाद में चौड़ाई की बात करें तो आपको ट्रैक्टर मिलती है 1730 mm की चौड़ाई, और ग्राउंड क्लियरेंस की अपन बात करें तो इसमें आपको मिलती है 385 mm की ग्राउंड क्लियरेंस। सबसे नीचे वाला पॉइंट की बात करें तो पहला हो गया अपना हिच वाला पॉइंट, और सामने हो गया अपना भाई फ्रंट एक्सल का पावर स्टीयरिंग का कवर है, इसलिए पावर स्टीयरिंग कोई नुकसान नहीं, हिच का है, जिससे अगर ट्रैक्टर लड़े तो सबसे पहले वहाँ टकराए और ट्रैक्टर में कोई नुकसान ना हो।
हाइड्रोलिक की बात करें तो पहले 15 kg आती थी, अब इसकी 2000 kg के लगभग इन्होंने हाइड्रोलिक कैपेसिटी कर दी है। 3 पॉइंट लिंकेज के साथ में आती है, ADDC टाइप 1 है। उसके बाद इसमें आपको क्या क्या ऑप्शंस आपको देखने मिलेंगे, ऑप्शनल चीज़ें, तो इसमें आप प्लो वॉल जो कि अपन रिमोट वॉल बोलते हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद 6000 घंटे या फिर 6 साल के ट्रैक्टर में वारंटी आएगी, और उसी के साथ में आपको इसमें लिफ्टोमेटिक भी देखने के लिए मिलता है। ये रहा भाई अपना लिफ्टोमेटिक की बेजिंग, और ये रही बटन, ये लिफ्टोमेटिक अपना हो गया। उसके बाद यहीं पर आपको पोजीशन और ड्राफ्ट कंट्रोल है, जिनका लीवर की क्वालिटी ठीक ठाक ही है। नीचे आपको डिफरेंशियल लॉक देखने को मिलेगा, अगर ट्रैक्टर का एक टायर अगर कहीं पे फंस जाए ना तो आप दोनों टायर एक साथ लॉक कर सके। उसके साथ में अपन लोग बात करें इसमें PT ऑप्शंस की, तो इसमें आप देख सकते हो भाई आप अपना लाइव PT हो गया। उसके बाद एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, ये अपना लाइव PT होगा। स्लीवर की बात करना तो ये अपना इकोनॉमी PT और पावर PT का हो गया। अब इसको मैं इसकी साउंड अगर दिखाऊं आपको, तो इसके लिए आपको अपना हाइलो गियर न्यूट्रल करना पड़ेगा, तो कुछ इस प्रकार का आपको साउंड देखने को मिलता है। ये लीवर आगे करके रखेंगे ना तो ट्रैक्टर 2000 RPM पर 540 निकालेगा, और अगर इसको आप पीछे कर देंगे ना तो ट्रैक्टर 1600 RPM पर अपने 2000 RPM निकालेगा। ये हो गया अपना इकोनॉमी और पावर PT। तो किसान भाई ये यही था आज का वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा आज का वीडियो। हम जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।